भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। कितना अपने आवेग और आवेश पर नियंत्रण कर पाते हैं, इसका अर्थ है स्वभाव की थोड़ी चिंता करें। बाहर आप जैसे हैं ठीक है, चार दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, मुंह पोपला होगा जरूर आपका, आंखें कोटरों में धंसेंगी, कमर कमान की तरह से झुकेगी, लाठी हाथ में जरूर आएगी एक दिन, यानी कितने दिन तक सुंदरता रखें। सुंदर दिखना, सुंदर दिखना अच्छी बात है, सुंदर दिखना भी एक बात हो सकती है, लेकिन एक स्वभाव अच्छा हो हमारे पास, अच्छा स्वभाव, दैवीय गुण हमारे पास रहने चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कुछ कुछ ऐसी जीवन प्रबंधन की। एक बात मुझे और आती है, बहुत अलग तरीके की बात है। एक अपनी पूरी जानकारी करके ये एक दिन समझना कि बहुत लेने की चिंता में रहते हैं या कुछ देने की भी बात रहती है। अच्छा, बहुत लेते हैं या ज़्यादा लेना चाहते हैं और उस मात्रा में दिया भी है कि नहीं। अच्छा, मैं कहना चाह रहा था कि जितनी मात्रा में मिला है क्या उतनी मात्रा में लौटाया गया है। अब मैं शायद ये कहना चाहता हूँ कि जितना लेते रहे, माता पिता से, परंपरा से, पूर्वजों से, परिजनों से, मित्रों से, समाज से, प्रकृति से, जितना कुछ हम लेते गए, बहुत लिया है हमने, तो जितनी मात्रा में हमने लिया है, जितनी मात्रा में, क्या कुछ अंशों में लौटाया है, कुछ अंशों में कुछ त्याग किया है, कुछ अंशों में लौटाया है क्या? और अगर नहीं लौटाया हमने तो एक ऋण तो है हमारे ऊपर, एक ऋण है हमारे ऊपर। तो एक चिंता कभी ये करो कि एक तो यह है कि मुझे कितना मिला, कि कब मिला, क्यों ना मिला, मिलना चाहिए था, इतना नहीं मिला और मिलना चाहिए था। कभी एक बात ये कभी सोची जा सकती है कि मुझे कितना देना चाहिए था और मैं क्यों नहीं दे सका, मैं इतना और दे सकता था, मुझे ये और करना चाहिए था। तो जो अवसर हाथ से चूक गए उन पर कभी पछतावा होता है कि नहीं? जो अवसर हाथ से चूक गए उन पर कभी पछतावा होता है कि वो एक अवसर हाथ से निकल गया जिसमें कुछ दिया जा सकता था, उसमें सम्मान दिया जा सकता था, उसमें क्षमा की जा सकती थी, उसमें उतने अधिक दोष और दुर्गुण नहीं थे जितने मैंने समझ कर उपेक्षा की, उपहास किया, या वो ऐसे अवसर थे जो सही नहीं थे, मुझे और अच्छा करना चाहिए था। तो एक मैं निवेदन करना चाह रहा था कि ग्रहण त्याग के इस खेल में, लेन देन के इस खेल में, कितना लिया और कितना दिया, इस पर कभी तराजू लेकर बैठो।